Next, Junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. अबे ओए, दिखाई देता है नहीं? जलता है. अकल है या नहीं भेजे में? माफ करना भाई साहब, गलती हो गई. ला पुत्र, मैं बना देती हूँ तेरे वास्ते फंदा. तू भी ना जाके मेरे वास्ते एक रस्सी ले आ. तुझे इस पंखे से फांसी देने के बाद मैंने भी फांसी ले लेनी है. तेरे बगैर मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? मैं जीना नहीं चाहती बीजी. मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और मैं आपको भी तकलीफ नहीं देना चाहती. ऐसा ना बोल पुत्र, तेरे बगैर मेरे जीने का क्या मतलब है? मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे वास्ते है. पुत्र, मैं हार नहीं मानूंगी जब तक तेरी जिंदगी, तेरा शरीर, तेरा चेहरा सब पहले जैसा नहीं हो जाता. और पुत्र, तू भी हार नहीं मान सकती है. तेरी बीजी है ना तेरे नाल. हम ये लड़ाई जीतेंगे पुत्र, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे. एक असंतुष्ट आवारा लड़के के बदले का एक वार,
एक लड़की को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से भरा जीवन झेलने पर मजबूर कर देता है। ज्यामिति गणित में सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस की प्रमेय जो स्थापित करती है कि एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण 100 का वर्ग अन्य दो भुजाओं अ और ब के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक बात कहूं मीना, तेरी कुड़ी रश्मि तो बहुत ही सोनी है, बड़ी सियानी और समझदार है। सब वाहे गुरु की मेहर है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। पवन चाहता है कि वो खूब पढ़े लिखे, वो की कहंदे ने उनू PhD करे। एक बात कहूँ बिना आदमी के, तूने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया है, बहुत बड़ी गल है मीना। कुलजीत, वक्त और हालात सब सिखा देता है, सब वाहेगुरु की मेहर है। यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, इसका मतलब है वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब है। यदि ये प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से इस बिंदु पर अपसरित हो रही हैं, इसका मतलब है कि यह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब है। रश्मिपुत्र, सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चंगी। पुत्र ये रख ले। रहने दो ताई जी, बच्ची थोड़ी हो अब। तेरे बच्चे भी हो जाएंगे ना तो भी तू मेरे लिए बच्ची रहेगी। मैं तेरे बाप का दोस्त ही नहीं हूँ, तेरे लिए बाप वर्गा ही हूँ। ले रख ले, बड़ों को मना नहीं करते। किताबें ले लेना। चंगा ताई जी। खुश रह। रश्मि, तेरे नाल गल करनी है एक। कौन सी गल? तू मेनू बहुत पसंद है, एक साल हो गया तेनू क्लास में देखते हुए, तू मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, जा इत्थों। ऐसा क्यों बोल रही है रश्मि तू? देख मैं अनजान थोड़ी हूं ना यार, हाँ मैं तेनू बहुत पसंद करता हूँ। रश्मि देख, मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ तेनू यार। बोला ना, मुझे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैनू पढ़ के कुछ बनना है। हुन जा तू। रश्मि आले जा, ये लीजिए। तुझे क्या हुआ? मैं उसी कुड़ी नाल व्याह करना है। तो तू उसे बोल क्यों नहीं देता कि तुझे उससे व्याह करना है? मैंने बोला उसे कि तेनू मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर उसने मैनू ना बोल दिया। बड़े तेवर दिखा रही है ये रश्मि, रब ने थोड़ी अच्छी सूरत क्या दे दी, खुद को बड़ी हूर समझने लगी। और रणदीप पे आज तूने पहली बार कहा ना उसको, और पहली बारी में लड़कियां थोड़ी मान जाती हैं, टाइम लगता काका जी, और ये इश्क की राह बड़ी मुश्किल होती है, तू चाह पी मान जाएगी। प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बिजोड़ है कि वो विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी की प्रतिक्रियाओं, प्रतिरक्षा रोगों, हेलो रश्मि, रणदीप बोल रहा हूँ। तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिनका दिल सच्चा और प्यार पक्का होता है ना, उन्हें सब पता चल जाता है। बोला ना परेशान करना बंद कर, आइंदा फोन मत करना मुझे। हेलो हेलो रश्मि,
भाई देवदास, मैं लगा एक खींच, सारी टेंशन दूर हो जानी है। मैनू वो बहुत पसंद है यार। अबे हार न मानियो बे। अबे तुझे बोलता है ना तो बहुत टेंस लगता है। आ जा, टेंशन नु मार गोली और इसे लेके देख, सारा टेंशन रफू चक्कर हो जाएगा, सारी दुनिया तेरे थल्ले और तू आसमान पर होगा, समझा? लड़की के मना करने और उसका प्रस्ताव ठुकराने को मंजूर करना किसी लड़के के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों सीधा ईगो पे चोट लगती है? क्यों वो इसे अपनी मर्दानगी पर चोट मान बैठता है? क्यों वो इसे अपनी बेइज्जती समझता है? कब से हो रहा है ये सब? पिछले महीने तो बीजी, रोजाना मेरा स्कूल से पीछा करता है। पता नहीं उसे मेरा नंबर कहां से मिल गया, हुन तो फोन पे भी परेशान करने लग गया। उत्तर तू स्कूल बदल डाल, गुरुद्वारे के पास जो स्कूल है मैं वहाँ ऐसे कैसे बदल दूँ बीजी? 12वीं क्लास है, चंगा स्कूल है, चंगे टीचर्स हैं और एग्जाम्स भी सर पे हैं, महीना भी नहीं बचा। और उसने कॉलेज में भी परेशान किया तो? रश्मि, क्या बुराई है मुझ में? मेरा प्यार मंजूर क्यों नहीं कर रही है तू? रणदीप, मैं तेनु किन्नी वारी क्या ना, ना मुझे ये सब बातों में दिलचस्पी है, ना ही मुझे इन सब फालतू चक्रों में पड़ना है। मुझे लाइफ में अभी कुछ हासिल करना है। पर मेरी लाइफ तो तुम हो रश्मि, और मैं तेनु हासिल करना है, बस शादी कर लेना मेरे से। रणदीप, मुझे ये सब पसंद नहीं, हट मेरे रास्ते से। रश्मि, रश्मि, कैसी है तू बेटा? फर्स्ट क्लास आंटी जी। तेरे 12वीं के नंबर पता चले, बहुत खुशी हुई। अब पढ़ लिख के वड्डी ऑफिसर बनना, अपनी माँ का नाम रोशन करना, समझी? जी। बीजी, कल करनी सी। हाँ पुत्र, आप जरा संभाल लेना। की गले पुत्र? ये कैसे होगा पुत्र? करस्पोंडेंस बीजी, पत्रचार से। और इसके लिए मुझे कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं, मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई भी कर सकती हूँ और एग्जाम्स भी दे सकती हूँ। और पता है बीजी, मैनू ना एक स्कूल में हिंदी टीचर की पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, थोड़ी कमाई भी हो जानी है। तू पढ़ाई और काम दोनों संभाल लेगी ना पुत्र? हाँ जी बीजी, ऐसा करके आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जानी है। देख रश्मि, मुझे पता है मैं ज्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन मैं और काम करूंगा और मेहनत करूंगा। दिल्ली बड़ा शहर है, कोई अच्छा काम तो मिल ही जाएगा मेरे को। हुन तू दस, अगर तू चंडीगढ़ विच पढ़ना चाहती है तो? ना वीर जी, मैं बीजी को अकेला नहीं छोड़ सकती, और यहाँ रहकर मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, और आगे भी चंगा ही होगा। मुझे भी तो थोड़ी जिम्मेदारी उठानी है। रश्मि जब सिर्फ 2 साल की थी तो उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया था। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से उसकी माँ ने गुरुद्वारे की रसोई में काम करना शुरू किया और उसे और उसके भाई पवन को पाला पोसा। पवन ने बचपन से ही माँ का हाथ बटाने और पढ़ाई में होशियार बहन को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया।
रश्मि इसी उम्मीद के साथ बड़ी हुई थी कि उसे एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपनी उस मां को खुशी देनी है जिसने पूरी उम्र उनकी परवरिश की जद्दोजहद में खटखट के गुजारी थी। एक था राजा। वैसे तो वो राजा अपने लिए हमेशा खूब खर्चा करते थे, लेकिन दूसरों के लिए उनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती थी। हाँ देती थी। सर जी, मैडम जी, बाहर एक बड़ा बदतमीज लड़का खड़ा है, स्टाफ से झगड़ रहा है, पीछे ही पड़ गया है, बोलते रश्मि मैडम से मिले बगैर यहाँ से हिलूंगा नहीं, प्लीज। अरे भाई आप समझते क्यों नहीं हो, नहीं जा सकते आप अंदर। तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? वो मेरी दोस्त है और मुझे अभी उससे मिलना है, इसी वक्त। आप नहीं मिल सकते, आप समझते कौन है? कौन लड़ रहा है इस हफ्ते? सर जी नशे में है ये, रश्मि मैडम से मिलने की जिद कर रहा है। हमने कहा भी हो क्लासरूम में, लेकिन मानता ही नहीं है, अड़ गया है कि क्लासरूम में जाएगा। वो मेरी फ्रेंड है और मैंने उससे अभी मिलना है, बुलाओ उसे। देखिए भाई साहब, ये स्कूल है और रश्मि मैडम यहाँ पे टीचर, और मुझे नहीं लगता उनका आप जैसा कोई भी दोस्त होगा, इसलिए प्लीज आप जाइए। तू है कौन? तेनू पता है तू गल किससे कर रहा है? प्लीज आप यहाँ से शराफत से चले जाइए, वरना हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। मैं रश्मि से मिले बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से, आपको जो कार्रवाई करनी है कर लो बस। अरे बन जाए। यार देख, मैं कब से तड़प रहा हूँ तेनू देखने के वास्ते, तेरे बिना जी नहीं सकता यार मैं, तू समझती क्यों नहीं? मैं स्कूल में थी तब से इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, हर रोज परेशान करता है, कितनी बारी कह चुकी हूँ कि मुझसे दूर रह, पर ये समझता ही नहीं। परेशान तो तूने करके रखा है एक सच्चे प्यार करने वाले को। देख यार मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। देखिए भाई साहब, आपको समझ में नहीं आया रश्मि मैडम ने क्या कहा, चलिए अब आप जाइए। देख तू ना बीच में पड़ दो प्यार करने वालों के। यार चल। देख मैंने कहा ना मैं रश्मि से मिले बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। देख तेरे से भी तमीज से बात की है, भली भली इसी में के तू अच्छे से निकल जाए यहाँ से, समझा? और दोबारा नजर मत आना, चल चल जाए यहाँ से। वो पागल है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही है। अरे इसे बहुत देखे, चल यहाँ से, चल 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 चलो। फिकर ना कर पुत्र, मैं कृपाल भाई साहब से बात करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता सुझाएंगे। काके इस कुड़ी ने तो भाई तेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया यार। अबे देखियो कैसी शक्ल हो गई इसकी। रश्मि बहुत परेशान है, वो मुंडा हर जगह जाके उसे तंग करता है। पर जय जी, आपको ना वो नानक राम जी जो सरपंच है ना, उनसे बात कर दीजिए, मैं उनको फोन कर दूंगा और बोलूंगा कि वो इस बात को पंचायत में भी उठाए, आप उनसे कल ही जाके मिलिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं गुआना गांव का रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप वहीं रहते हैं, मैं आजकल अपनी दीदी और जीजाजी के साथ यहाँ पाथरा गांव में रहता हूँ। पुत्र तूने अब तक ना अपना नाम बताया ना काम, क्या बात करनी है जी? मैं आपकी कुड़ी नु जानता हूँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मैं उसके नाल ब्याह करना चाहता हूँ। क्या नाम है तेरा? जी रणदीप सिंह। अच्छा तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई
कि मेरे घर आकर मुझसे ही मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। माता जी आप गलत ना समझो, देखिए मेरी इल्तिजा है आपसे, मैं अच्छी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं रश्मि से बहुत प्यार करता हूँ और उसके नाल विवाह करना चाहता हूँ। तो यहाँ से जाता है या नहीं? आप ना गलत समझ रहे हो, मैं चंगा बंदा हूँ जी। तो जाता है या मैं पुलिस को बुलाऊं? इतना गुस्सा मत करो माता जी, मैं तो आपकी बेटी की भलाई चाहता हूँ। माता जी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माता जी मेरी बेटी जब स्कूल में थी तब से उसे परेशान कर रहा है जी। रणदीप नाम है मुंडे का, पाथरा गांव में अपने बहन थे जीजा दिनाल रहता है। मीना जी आप फिक्र ना करें, अगले रविवार पंचायत मीटिंग में इसके बारे में बात करेंगे, आप आ जाइए। जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखो जी मेरी तो एक सलाह है, मुंडे को चेतावनी देकर छोड़ दो। मेरे ख्याल से पुलिस के पास जाना भी अच्छा नहीं होगा। एक तरह से इनकी बात ठीक है, वह अगर मुंडे को यहीं धमकी देकर मामला सुलटाया जा सकता है तो पुलिस के पास जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है मैं मुंडे से बात करता हूँ। ये लीजिए मेरे पास नंबर है। हेलो जी मैं गुराली गांव पंचायत से बोल रहा हूँ, रणदीप सिंह से बात करनी है। जी वो तो घर पे नहीं है जी, क्या बात है जी? कहाँ होगा जी? बात तो बताइए जी। जी रणदीप सिंह अभी पंचायत में नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, हमें खुद फैसला लेना पड़ेगा, बात गंभीर है। बात क्या है जी? देखिए यदि खुद रणदीप सिंह आकर बात पता लगा ले या फिर आप आकर बात पता लगा ले। क्या हुआ जी? दुराली गांव की पंचायत ने बुलाया। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा भाई ऐसे नहीं कर सकता। आपको ना मेरी बेटी के स्कूल आकर देखना चाहिए था, क्या तमाशा किया आपके भाई ने। अरे उसकी वजह से मेरी बेटी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया और पत्राचार से पढ़ाई शुरू की, और हद तो तब हो गई जब वो मेरे घर चला आया। हिम्मत देखो उसकी, आकर मेरी बेटी का हाथ मांगने लगा। आप मेरी बात सुनिए जी, देखिए आज के बाद हमारा रणदीपा आपकी बेटी के आसपास भी नहीं भटकेगा जी। जो भी गलतफहमी हुई है जी खत्म करो उसे, मिट्टी पाओ जी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, अच्छा होगा आप उसे सलीका सिखा दें, तहजीब सिखा दें। रश्मि और उसकी माँ की तरफ से अगर कोई भी शिकायत आई तो पंचायत पुलिस में जाएगी, कानून अपना काम करेगा, पहले से बता देते हैं आपको। देखो जी ऐसी नौबत आएगी नहीं जी, मैं वादा करता हूँ जी आपसे। देख रणदीप और जेड़ी लड़की तेरे को पसंद नहीं करती उसके पीछे पड़ के फायदा क्या? और तू सुन रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को? ओहो रणदीप छड़ उस कुड़ी को, तेरे लिए मैं उससे भी सोनी कुड़ी ला के दूँ, और फिर भला तेरे लिए सोनी कुड़ियाँ दी कमी है? तेरे ऊपर तो ऐसी हजार कुर्बान, तू फिक्र ना कर। बीजी सही किया आपने, जो पंचायत को इसमें शामिल कर लिया, अब देखना वो मुंडा और उसका परिवार दूर ही रहेगा मुझसे। मजनू भूल जाओ उसे, तेरे बस की बात नहीं है वो कुड़ी, भूल जा बेटा। मैं स्कूल में थी तब से इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, हर रोज परेशान करता है। कितनी बारी कह चुकी हूँ कि मुझसे दूर रह, पर ये समझता ही नहीं। चलो बच्चों आज एक कविता सीखते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में।
वेटिंग वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ तुझ पे? बस एक मिनट, एक गल करनी है तेरे से। रणदीप तू जाता है या पुलिस को बुलाऊं? रश्मि बस एक मिनट गल करने का मौका दे दे। रश्मि 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 प्लीज प्लीज एक बार बात करनी है। रश्मि रणदीप चला जा यहां से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। मीना जी क्या होया पुत्र? जल्दी चलो, अपनी रश्मि के चोट लग गई। हाय रब्बा। आजो जी आजो। रश्मि! अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। अभी 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 नानकराम जी। मैं तो गुरुद्वारे में थी, हरदीप बुलाने आया, कहने लगा रणदीप घर आया था, उसने रश्मि के मुंह पे कुछ ऐसा फेंक दिया कि उसका सारा चेहरा जल गया। डॉक्टर साहब देखिए वो काफी जल गई है, हम यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पेन किलर्स दे दिए हैं, आप उसे चंडीगढ़ ले जाओ, वहां उसका बेहतर इलाज हो सकता है। बहुत बुरी हालत है डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहो। डॉक्टर साहब हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? अभी ये कहना मुश्किल है, देखिए हमें जल्द से जल्द स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और कई सर्जरीज भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जो कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन हमारी बच्ची को ठीक कर दो, बड़ी समझदार और होशियार बिटिया है वो हमारी। हमें पुलिस को भी खबर करनी होगी। एसिड अटैक का केस है, वो लोग बता रहे थे कि पड़ोसी गांव के किसी लड़के ने किया है। कैसी हालत है लड़की? बहुत बुरी, 48% बर्न्स है, आंखों की रोशनी चली गई है, एक कान भी गया है, गले का सारा मांस पिघल कर सीने की तरफ फैल गया है, हाथ भी थोड़े बहुत जल गए हैं। हमने स्किन ग्राफ्टिंग शुरू कर दी है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी मैं रश्मि के फादर का दोस्त है, वो तो अब रहा ही नहीं। क्या नाम बताया आपने लड़के का? जी रणदीप सिंह, पाथरा गांव का है, कब से हमारी बच्ची को परेशान कर रहा है, जबकि पंचायत ने उसके परिवार को चेतावनी दी थी कि वो रश्मि को परेशान ना करे, लेकिन किस हद तक चला गया लड़का। मेरा भरा ऐसे नहीं कर सकता। है कहाँ अभी रणदीप सिंह? रणदीप तो जी
गुहाने गाँव गया जी अपने माँ बाप के पास। मुझे लगता है जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने रणदीपे को कहा था जी रश्मि से दूर रहने के लिए, और वो मान भी गया था, वादा किया था जी उसने हमसे। हाँ, वो लोग मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। सुबह से अंदर मुंह लटका के बैठा है, पता नहीं क्या हो गया मुंडे को। हटो। नशे में लड़का, ले चलो। साहब, साहब, क्या बात हुई है? क्या किया है मेरे बेटे ने? एक लड़की पे एसिड फेंका है, बहुत बुरी हालत में है बेचारी। स्किन ग्राफ्टिंग से ही हम सारे जले हुए घावों को लेवल कर पाएंगे। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? अभी तो वो कुछ देख भी नहीं पा रही है। वो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त कुछ भी बताना मुश्किल है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द लगातार हो रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है। दर्द होगा, हम उसे पेन किलर्स दे रहे हैं फिर भी दर्द होगा। कई सर्जरीज भी होगी और काफी खर्चा भी होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? रश्मि, रश्मि, ये बोल क्यों नहीं रही है? आप ये कभी नहीं जान सकते हैं कि लड़की का पीछा करने वाले, उसे परेशान, उसे तंग करने वाले के लिए सिर्फ एक चेतावनी काफी होगी या नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के हैरेसमेंट को परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस और कानून व्यवस्था बहुत ही गंभीरता से ले। एक मूलभूत सच्चाई ये है कि जो लोग लड़की को परेशान करने की इस तरह की हरकतों पर उतर आते हैं, वो लोग सामान्य नहीं हैं, और उन्हें खुलेआम घूमते रहने देना बहुत ही खतरनाक है। अब वक्त आ गया है कि इस किस्म के जुर्म के लिए कड़े से कड़े कानून हो, क्योंकि इसकी वजह से न जाने कितनी बच्चियों और औरतों का वजूद ही तकलीफों और कष्टों से भर गया है। हम जानते हैं कि हम ऐसे अटैक का एक मामला पहले भी दिखा चुके हैं, पर हमने सोचा कि इस मुद्दे को दोबारा उठाना बहुत जरूरी है, ताकि इस बात पर फिर से जोर दिया जाए कि इस तरह के बीमार, गुस्सैल, असामाजिक तत्वों के साथ किसी भी तरह की नरमी न बरती जाए और उन्हें पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ कानून के हवाले कर दिया जाए। क्योंकि जो दर्द, जो तकलीफ ये पीछे छोड़ जाते हैं, वो बेहद भयानक है। इन अपराधियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और ये अपराध दोबारा कभी ना हो, ऐसा कोई उपाय जल्द से जल्द सोचा जाना चाहिए। इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको कल रात को 11 बजे दिखाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी, सतर्क रहें। जय हिंद। नेक्स्ट जूनियर प्लीज। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।